Guys, and this is the next day in KRABI. मैं रात को KRABI आ गया था, जैसे मैंने mention करा होगा. अभी करीबन 9:30 बज चुके हैं, and मैं एक restaurant पे हूँ, यहाँ पे KRABI में. थोड़ा breakfast खाऊँगा, and then यहाँ पे दो beaches हैं, एक आउनैंग beach है और एक Railay beach है. दोनों पे जाके explore करूँगा, और शायद रात को night market भी होती है. यहाँ पे काफी चीजें होती रहती हैं day wise. कभी pub crawl होता है, कभी night market होती है. तो there's a lot to do. आप island tours भी कर सकते हैं. मैं शायद यहाँ पे नहीं करूँगा. I'll probably do it in कोलांता या कोफीफी या जहाँ पे भी इसके बाद जाऊँगा, because I've heard कि वहाँ पे better है. Anyways, पहले breakfast खाता हूँ and then I'll be heading out and showing you around KRABI. KRABI actually काफी relaxed है, जहाँ तक मेरे को feel हो रहा है. लोग यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स में या फिर अपने होटल्स में रिलैक्स करते हैं मोस्टली. इट्स सॉर्ट ऑफ फैमिली डेस्टिनेशन एज वेल एज फॉर बैकपैकर्स. मतलब सबके लिए सब कुछ है. इन जनरली बोलूँ थाईलैंड में सबके लिए सब कुछ है. और ये पूरा आउनैंग बीच है यहाँ पे KRABI में. सारे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं. दिस अराउंड दीज आइलैंड्स एंड यहाँ पे लॉन्ग टेल बोट्स होती हैं, जहाँ से आप एक आइलैंड से दूसरी जगह जाते हैं, जो मैं लूंगा इफ आई गो टू Railay टुडे. छोटी सी हाइक है एट द एंड ऑफ आउनैंग बीच जो मैं कर रहा हूँ. आई थिंक ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता होगा, सो आई शो यू दैट. एंड ज़्यादा लंबी हाइक नहीं है, आई थिंक 10-15 मिनट की होगी. तो ऑन द टॉप पहुँचा देगी, उससे नीचे से व्यू दिखेगा वो दिखा. आई वाज एक्चुअली रॉन्ग. जो हाइक थी छोटी सी, वो ऊपर तक नहीं ले जाती है. दैट जस्ट आउनैंग बीच के बिल्कुल सीधे पहुँचा देती है. एंड जब आप पहुँचते हो तो आपसे वो साइन कराएंगे कि आप कितने बजे एंटर करे हो आउनैंग बीच, और जब एग्जिट करोगे तब भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी. ऐसा लगता है कि जितना भी इस व्यू को देख लो उतना कम है, बट आई एम श्योर कि इससे बेटर ही होने वाला है व्यू. सो आई एम हेडिंग टू द नेक्स्ट स्टॉप. ये व्यू आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा. अगर करा है तो लाइक मार देना है प्लीज़. बहुत हेल्प मिलती है ऐसी ट्रैवल वीडियोस और ऐसी डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करते रहूँगा आपके सपोर्ट के साथ. दिक्कत आती है यहाँ पे, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द थाई लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं आती. तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आउनैंग बीच से अगर मेरे को Railay बीच जाना है तो फिर कैसे जाना है. तो वो बताने की कोशिश तो कर रहे थे बट प्रॉपरली बता नहीं पा रहे थे, या उनको पता नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर. बट ये मैंने पिछली बार भी एक्सपीरियंस करा था जब मैं थाईलैंड आया था, कि अगर कुछ कम्युनिकेट करना होता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है. आई वुड से कि यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो आनी चाहिए थोड़ी बहुत इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड और एनी वेयर. तो उससे क्या है, थोड़ा सा ईज हो जाता है कि आप किसी और से पूछ सकते हो, बिकॉज
एक जनरल लोगों को पता होता है थाईलैंड में इंग्लिश इतनी वाइडली स्पोकन नहीं है. अब बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन थोड़ा सा आ गया है, उनको थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश आती है. मैंने यहाँ पे एक टिकटिंग काउंटर था, जैसे ही आउनैंग बीच शुरू होता है वहीं पे था. मैंने वहाँ से अपने लिए ये रायले बीच के लिए टिकट बुक कर दी. जाना आना इज़ लाइक 200 baht, विच इज़ रफली अराउंड 400 से 450 rupees, और 6 बजे से कभी भी पहले आ सकते हैं. तो आई थिंक दैट्स अ फेयर डील. 15 मिनट की लॉन्ग टेल बोट राइड एंड वापस, इसमें और कुछ इंक्लूडेड नहीं है. एंड यहाँ से आप अपने लिए फीफी आइलैंड्स जाने की, जो मैं शायद कल बुक करूँगा, फीफी आइलैंड्स और काफ़ी जगहों के लिए ग्रुप टूर्स बुक कर सकते हैं. ये टिकटिंग काउंटर्स हर जगह हैं एंड आई वुड से कि मोर और लेस प्राइस सिमिलर है हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है. यू विल नो कि आप लोगों को ज़्यादा चार्ज नहीं करा जा रहा, तो यहाँ से बुक कर लेना. यहाँ का मैप है एंड हम लोग यहाँ पे आउनैंग बीच, आई एम गोइंग टू रायले. आप इसी अकॉर्डिंगली आप लोग और सारे आइलैंड्स जा सकते हो एंड दैट इज़ फुकेट ऑफ कोर्स. तो देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, आप अपने हिसाब से देख सकते हो. यू कैन इवन बुक टूर्स, जैसे मैंने मैंशन करा था, दे विल टेक यू टू ऑल दीज आइलैंड्स एंड दीज आइलैंड्स. सो देर इज़ एक्चुअली अ लॉट टू डू. तो आई वुड से कि गिव इट अच्छे दिन, लाइक पूरे वीक के लिए आना, सो दैट यू कैन गिव ईच प्लेस इट्स ओन टाइम. प्राइस है उसमें एक कैब भी इंक्लूडेड होती है जो आपको पियर तक ले जाएगी एंड यहाँ से वो बोट होगी. पूरा बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. तो चलते हैं, बोट के मज़े लेते हैं एंड रायले बीच पहुँचते हैं. आई होप आपको ये वीडियो और थाईलैंड सीरीज एब्सोल्युटली बहुत अच्छी लगेगी. सो स्टे ट्यून्ड. और 15 मिनट की टेल बोट राइड थी एंड अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं. यहाँ पे भी आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, बट रायले बीच बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर, तो यहाँ पे अकोमोडेशन काफ़ी महंगी होती है. सो आई विल बी गोइंग बैक एंड मैं यहाँ पे थोड़ा घूम के व्यू पॉइंट इन्जॉय करके आई विल गो बैक. यहाँ पे और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग एंड एवरीथिंग. अभी मैं पता कर रहा था आई वॉन्टेड टू डू रॉक क्लाइंबिंग, बट मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई. अगर मिलती है तो मैं करके भी दिखा दूंगा और प्राइसेस भी बता दूंगा, बिकॉज़ यहाँ पे आइलैंड्स पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. बट अगर सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया करना है, जस्ट कम हियर, इन्जॉय, हैव अ बियर एंड दैट्स इट. यू कैन कम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, अकेले मेरी तरह, एंड यू विल हैव अ ब्लास्ट. ट्रस्ट मी, थाईलैंड इज़ एन ऑल टाइम डेस्टिनेशन जहाँ पे आप यू कैन जस्ट कम रिलैक्स एंड इन्जॉय एंड अनवाइंड. ये बहुत बिजी होती हैं ऑफिस लाइफ एंड एवरीथिंग. मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी है, बट मैं कह सकता हूँ कि बहुत मोनोटोनस हो जाता होगा. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू हैव अ गुड टाइम, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर कमिंग टू थाईलैंड एंड यू वोंट रिग्रेट इट. मेरी वीडियोज़ पूरी देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से बीचेस जाना है, कौन से आपके लिए हैं, कौन से नहीं हैं. स्टेट
Railay beach pe. I would say it's pretty expensive as compared to Aonang beach. Yahan pe budget eating options zyada nahi hai. Jo bhi bars hain, they are quite expensive. So I would say as a budget backpacker, to main suggest nahi karunga ki yahan pe rehna. Stay in Aonang, yahan pe aa jana, ek do ghante spend karke wapas chale jana, because there is not actually much to do. Bahut chhota sa hai. Railay west hai, Railay east hai aur ek aur beach hai shayad. Bas yahi hai. So aap ek do ghante mein aaram se cover kar sakte ho. Come here, have a beer. Viewpoint main check out karunga. And I think that pretty much sums it up. Maine socha tha ki main ek din Aonang karunga, the next day Railay karunga, but main same day mein hi kar liya and it's still 2 o'clock. Maine energy levels kafi high rehte hain hamesha. So main jaldi jaldi cheeze cover karke aap logo ko dikha deta hu. Let's see what this beach or island has to offer more. मैं व्यू पॉइंट की तरफ ही जा रहा हूँ एंड ये रास्ता करीबन जो रायले बीच है ईस्ट साइड जो दूसरी साइड में वेस्ट साइड से एंटर करा था ईस्ट साइड के पास ही है तो वहाँ से वॉक करके जाना है ऊपर जाना है अब आई एम नॉट इवन श्योर मैं भी खुद देख रहा हूँ फिगर आउट कर रहा हूँ ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड टाइप है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्सप्लोर करने के लिए मैं ये एक्सप्लोर करके आई विल बी हेडिंग बैक और सब कुछ यहाँ पे वो प्राइस्ड है मैंने एक बॉटल पानी की बॉटल लेने की कोशिश करी वो 50-60 रुपए की ही थी तो मैंने कहा छोड़ रहने देते हैं Last night we were looking at these mountains like this one here and these ones over here and we're like they're massive they're huge कुछ व्यू ऐसा है यहाँ से व्यू पॉइंट से एज यू कैन सी एंड इट वाज लाइक अराउंड 15 मिनट टू गेट अप सॉर्ट ऑफ इजी मतलब इट वाज देयर इज नो सपोर्ट बट आप आ सकते हो इफ यू फीलिंग एडवेंचरस एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ व्यू यू गेट एंड यहाँ से पहले बेस जंपिंग होती थी पीपल यूज टू जंप फ्रॉम हियर आई डोंट नो कैसा पॉसिबल है बट अभी प्रोहिबिट कर चुके हैं एंड दिस इज आई थिंक द ईस्ट साइड एंड दैट इज द वेस्ट साइड आई माइट बी Is that the east side? Yeah, this is the east side and this is the west side. Can I put you guys in the yeah, box? Yeah, sure. Sure. You can introduce yourself. Sam. Hi. Don. Hi, Alicia. Yeah. Cody. Yeah. Like, it doesn't take long to get to base. No rocks. And it's all... Yeah, yeah. Or else it would be much easier. We're fine, right? Made it. Yeah. Again, niche. Karke pura. It took around आधा घंटा. And probably one of the adventurous things I've done. मैंने बहुत सारी करी है, but this was pretty adventurous. यहाँ पे लिखा भी है साइन डेंजर डोंट गो अप बट आई वेंट विद अ कपल ऑफ गाइस एंड इट वाज प्रीटी गुड काफ़ी इंटेंस है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल क्लाइंबिंग अप और व्यू बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से ऑब्वियसली विच आई शोड यू गाइस आई विल बी हेडिंग टू Aonang आफ्टर दिस अपना आप खुल गया ठीक करके आई एम स्वेटिंग एंड पूरे हाथ पूरे पैर थोड़े बहुत छिल भी गए बट ठीक है दिस कॉल्स फॉर एडवेंचर अभी Aonang की तरफ जा रहा हूँ वापस बहुत ही अच्छा एडवेंचर था आई वुड से कि अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस फील कर रहे हो तो डेफिनेटली डू दैट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे मेरी पूरी टी शर्ट वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट मतलब पूरा पसीना आया हुआ था उस पर बट थाईलैंड इज प्रिटी गुड इट्स एक्सीडिंग माई एक्सपेक्टेशंस अभी तक द बीचेज आर मतलब तैरने लायक तो नहीं है बट आगे पीछे इनके बहुत सारी एक्टिविटीज़ है विच यू कैन डू यहाँ पे बहुत अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं जिस पे आप रह सकते हो एंड बट सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है इवन टू यूज़ द वॉशरूम आई हैड टू पे लाइक 10 baht विच इज़ 22 rupees नॉट दैट इट मैटर्स अभी बिकॉज आई हैड अ रियली गुड एडवेंचर अभी मैं वापस लॉन्ग टेल बोट लेके वापस जा रहा हूँ टुवर्ड्स Aonang आई एम प्रिटी टायर्ड एक्चुअली और अभी तक सिर्फ 2:30 या 3 बजे है सो आई हैव द रेस्ट ऑफ द डे आई विल प्रॉब्ली गो बैक क्रैश फॉर अ व्हाइल एंड देन उसके बाद आगे दिखाऊंगा Thank you.
find on the other side.